नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बदले गए हैं और ये अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आपको अंदाजा लगाना है कि वाकई में वो कौन है। तो ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं कराते हैं, वो है सोमा मंडल। सोमा मंडल जी जो होंगी वो नेक्स्ट चेयरमैन होंगी सेल की। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अगले अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी मिलने के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील यानी कि इस तरह की जो पीएसयू है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वो पहली महिला चेयरपर्सन बनेंगे और दुनिया में किसी भी स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो वर्तमान समय में अनिल कुमार चौधरी जी जो है वो चेयरमैन के तौर पर थे, जिनकी जगह अब सोमा मंडल आने वाली है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। वैसे भारत में बात की जाए तो इतिहास में भारत में जो इस्पात आया है, जो स्टील आया है, इसकी 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी और वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ये कंपनी बंद हो गई। फिर इसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, फिर इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया था। ये पहला स्थापित कारखाना था, जबकि बड़े पैमाने पर यानी कि पूरी तरीके देखते थे इंडस्ट्री के तौर पर पहली बार भारत में लौह इस्पात का कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा जी ने बिहार में साक्ची नामक स्थान पर खोला था। भारतीय लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। 1922 में यहां पर इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। बाद में कुल्टी हीरापुर बर्नपुर स्थित संयंत्र को भी इसी में मिला दिया गया था, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अस्तित्व में आया है 24 जनवरी 1973 को। ये भिलाई राउरकेला बर्नपुर सलेम बोकारो दुर्गापुर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को मिलाकर सेल की स्थापना की गई थी। भारत में इस समय टिस्को जो है भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कारखाना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन चेंज होने वाली है, उनका नाम होगा सोमा मंडल। अभी तक कौन संभाल रहा था? अनिल कुमार चौधरी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अभी हाल ही में इसको 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त किया गया था। अगली जानकारी तक चलते हैं। अगली जानकारी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी हाल ही में कृषि मेघ नाम का एक डेटा सेंटर स्थापित किया है। यह डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR का यह अंतर्गत कार्यालय होगा। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इनके जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी ये जमीन से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वो कहीं खराब ना हो जाएं या कहीं मिसप्लेस ना हो जाएं, तो उसको संभालने के लिए एक डेटा रिकवरी सेंटर बनाया गया हैदराबाद में। अब आप सोच रहे होंगे कि ICAR जो है वो नई दिल्ली में है तो हैदराबाद में क्यों बनाया गया? तो कई सारी वजहें हैं। हैदराबाद में जो सबसे बड़ी वजह है बनाने का, क्योंकि हैदराबाद को भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस वजह से हैदराबाद में आईटी प्रोफेशनल की उपलब्धता अच्छे तरीके से की जा सकती है। और दूसरा, जो सेंटर डेवलप किया गया है वहां पर जो टेक्नोलॉजिकल आवश्यकता थी वो हैदराबाद में ज्यादा अच्छे से पूरी हो पाई। तो हाल फिलहाल ICAR का एक डेटा रिकवरी सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां पर कभी भी ICAR को आवश्यकता होगी किसी डेटा की तो सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक सेंटर की आवश्यकता थी। और वो कहां पर डेवलप किया गया है? वो आपका हैदराबाद में डेवलप किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कृषि मेघ। इसका उद्घाटन किया है केंद्र सरकार के मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है, IASRI में है। डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में की गई है यानी कि NAARM में की गई है। तो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट ये हैदराबाद में स्थित है, यहां पर इसकी स्थापना की है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। कृषि में की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक द्वारा दोनों द्वारा फंडिंग की जा रही है। इसको बयान के मुताबिक इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस अनुसंधान विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ICAR कहां है।
आईएसीआर जो है ये आपका नई दिल्ली में है, और अगर हम लोग बात करें तो त्रिलोचन मोहपात्रा वर्तमान समय में इसके हेड है, यानी कि आप अध्यक्ष हैं, और ये इसके डायरेक्टर जनरल है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को आईएसीआर की गई थी, तब इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। वर्तमान समय में त्रिलोचन महापात्रा जो है वो इसके हेड है। आईएसीआर की बात करें तो आईएसीआर भारत का उच्चतम संस्था है जो कृषि से जुड़ी अनुसंधान करता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इतना जरूर याद रखिएगा। 16 जुलाई 1929 की इसकी स्थापना हुई थी। अगली जानकारी है, अब महिलाओं को भी या लड़कियों को भी अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। एक्चुअल में आपको लगा होगा, आपको पता लग रहा होगा कि ये रूल तो सर बहुत पहले ही आ गया, अभी नया क्या हुआ। 2005 में ही इसमें संशोधन कर दिया गया था, और फिर बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा प्राप्त हो गया था कि उनको पैतृक संपत्ति में वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस कानून में एक दिक्कत ये थी कि इसमें ये बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि 2005 से पहले, क्योंकि ये कानून 2005 में आया, 2005 से पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हुई है तो उसकी संपत्ति में बेटी और बेटे को बराबर अधिकार मिलेगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि 2005 हो चाहे किसी भी ईयर हो, ये कानून सभी के लिए लागू है। कोई भी ऐसा पिता जिसकी मृत्यु हो जाती है और जब बंटवारे की बात आती है तो उसमें बेटी को भी बराबर हिस्सा दिया जाएगा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को अपने आदेश में कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक बेटी संपत्ति के बराबर की अधिकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ हो, से पहले ही किसी की अगर मृत्यु हो गई होगी तो भी उनकी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। ये जस्टिस या ये न्याय जो है वो अरुण मिश्रा जी की पीठ ने दिया है। अरुण मिश्रा के साथ एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह भी इस पीठ में शामिल थे। 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो इस कानून में ऐसे परिवार को लागू होगा कि नहीं होगा। तो अब फिलहाल ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये ऐसे परिवार पर भी लागू होगा। अगली जानकारी है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये पुस्तक आप दोबारा पढ़ रहे हो, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये एक कॉफी टेबल से नाम से बुक लॉन्च की गई थी, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्य का, यानी कि उनके जो भी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी गतिविधियां की हैं उनके बारे में उल्लेख है, उनके भाषणों का इसमें उल्लेख है। तो इसका संबंध किससे है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक प्रश्नों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसका प्रकाशन विभाग द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों के परिणामों की एक झलक दिखाई जाएगी, और इसके अलावा इस पुस्तक की एक प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया जा चुका है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, CCC वेंकैया नायडू। अगली जानकारी है, ये खबर ने तो हल्ला मचा के रखा हुआ है पूरे विश्व में, COVID-19 की वैक्सीन आ गई है। अब हल्ला मचना स्वाभाविक है, क्योंकि जब COVID-19 आया तो कुछ लोगों ने इसको आपदा के तौर पर देखा, तो कुछ लोगों ने इसको अवसर के तौर पर देखा। नई वैक्सीन आएगी, सबसे पहले जो बना लेगा उसकी वैक्सीन ज्यादा बिकेगी, और जिसकी ज्यादा बिकेगी उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में सभी देश कोरोना वायरस के दौरान तेजी से वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसने एक पर्टिकुलर वैक्सीन बना ली है जो पूरी तरीके से स्वस्थ कर देती है और 2 साल के अंदर 2 साल तक की इम्यूनिटी प्रदान करेगी। रूस ने तो यह भी दावा किया कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, पहला टीका उनकी बेटी को लगाया गया है। लेकिन इसके लिए WHO ने भी इसको नाराजगी जताई, कई सारे अमेरिका फ्रांस वगैरह ने भी इसमें नाराजगी जताई है कि इस तरह की वैक्सीन को डेवलप करने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ट्रायल का होना जरूरी है। पहले सैंपल लेवल पर इसका ट्रायल किया जाता है, फिर कुछ लोगों पर ट्रायल किया जाता है, और फिर हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है, और महीनों तक इसका ट्रायल किया जाता है। जब उसके अपेक्षित परिणाम आ जाते हैं उसके बाद ही इस वैक्सीन को मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन रूस ने दावा किया कि ये वैक्सीन है, ये सुरक्षित है और अपने तीसरे परीक्षण के दौर में है। लेकिन उससे पहले ही वहां की जो एजेंसी है, जो रूस की एजेंसी है, जो जिसने इसको नियामक दिया है, उन्होंने इसको लाइसेंस दे दिया कि ये पूरी तरीके से फ्रूटफुल है और इसको अपना लेना चाहिए। और देखते ही देखते 20 देशों ने अरबों डॉलर की वैक्सीन रूस से मंगाना शुरू कर दिया है।
रूस ने हालांकि कहा है कि इसका उत्पादन सितंबर से शुरू होगा। तो रूस के व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5, ये वैक्सीन का नाम है, कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्को के गोमालाया, यहां पर लिख लीजिएगा गामालाया, क्योंकि कई कई वेबसाइट में गामालाया मिला है मुझे और कई वेबसाइट में मुझे गोमिया मिला है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज था कि गोमिया नाम है उसका कि गामालाया नाम है। तो गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित यह दुनिया की कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। तीन चीजें, वैक्सीन का नाम, इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5, किसने डेवलप किया है, गामालाया या गोमिया इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, रूस ने डेवलप किया है और यह पहला देश है जिसने यह डेवलप किया है। कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी है और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश के कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के विकल्प पर सवाल खड़े किए हैं और आमतौर पर कई महीनों और हजारों व्यक्तियों पर यह ट्रायल किया जाता है, उसके बाद ही वैक्सीन बनती। भारत ने भी उन 20 देशों में अपना नाम लिखवा दिया है जो वैक्सीन मंगा रहे हैं। फिलहाल भारत की तैयारी जो वैक्सीन को लेकर है, वर्तमान समय में भारत में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉपर तरीके से वैक्सीन के काम में चल रही हैं, जिसमें से सबसे आगे चल रही है कोविशील्ड। कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके द्वारा मिलाकर के वो वैक्सीन बना रहे हैं और ये अपने भारत में यानी कि सबसे तेजी से बनने वाली वैक्सीन है जो कि फेज 3 ट्रायल में पहुंच गई है। अभी फेज 1 एंड फेज 2 के ट्रायल में चल रही है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक भारत की पहली कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन अभी भी ये ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में ही है। इसके अलावा एक और कंपनी है, अहमदा बेस्ड है ये कंपनी और इसका नाम है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला की बात करें तो जाइडस कैडिला भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है और इसे फार्मास्यूटिकल जायंट भी कहा जाता है। तो इसने बताया कि इसने फेज 1 की टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है और जल्द ही जाई कोविड-T नाम से एक वैक्सीन बाजार में उतारेगी। नाम जरूर याद रखिएगा, कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक की है, जाई कोव-D जो है ये आपकी जाइडस कैडिला की है, जबकि कोविशील्ड जो है ये एस्ट्राजेनिका प्लस SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ये पुणे में बन रही है, ये अहमदाबाद में बन रही है और ये हैदराबाद में बन रही है। भारत बायोटेक कंपनी जो है ये हैदराबाद बेस्ड लिमिटेड है। ये 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो भारत में अपनी तैयारी को दर्शाती हैं। फेज 1 एंड फेज 2 में चल रही हैं, जबकि ये फेज 3 में पहुंच गई, यानी कि अगर हम उम्मीद करें तो दिसंबर तक इसके प्राप्त हो जाने की हमें उम्मीद है कि कोविशील्ड भारत को प्राप्त हो जाएगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन्होंने हाल ही में अपने यहां एक इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है। नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है, मुझे लग रहा है लोकल लैंग्वेज का नाम है। इंदिरा वन मितान योजना का मतलब यह है कि ये ऐसी एक योजना केंद्र सरकार में भी चल रही है, प्रधानमंत्री वन धन योजना करके, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस योजना में इनका मेन मोटिव यह है कि छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल है, क्योंकि अभी आदिवासी दिवस हुआ तो उस आदिवासी दिवस के मौके पर इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोग हैं क्योंकि वो वनों में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ योजनाएं चलाने आवश्यक है। ऐसे में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करना है कि जो वनों का उपज होता है यानी कि छोटी लकड़ियां हो गई, औषधि हो गई, जो भी वन से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी और उनको मार्केट में बेचा जाएगा और उसके बाद जो पैसा आएगा वो उन आदिवासी जनजातियों को दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 10,000 गांव सेलेक्ट किए हैं और जहां 10 से 15 लोगों युवकों को यानी कि जो युवा लोग होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको इकट्ठा करने के बाद उनको उसके काम के उनको वनों के उपज को बटोरने के बारे में बताया जाएगा, उनको संग्रह करवाया जाएगा। जब वो वनों के उपज को बटोर लाएंगे फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा यानी कि मार्केटिंग के लिए उसके पैकेजिंग वगैरह किया जाएगा और फिर उसको मार्केट में टर्नआउट किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों को सेलेक्ट कर रही है और उसमें युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उसके लिए पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग है इसमें, इस योजना में खास बात यह कि जितने भी युवा इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको मैनेजमेंट से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी जिम्मेदारी खुद दी जा रही है, उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होने वाला।
इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों युवा समूह को माध्यम से कवर करने की योजना की है। योजना का बजट भी बहुत बड़ा है, 8,50,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए रखा गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। ये समूह पेड़ों के प्रबंधन करेंगे और वन क्षेत्रों के पेड़ों से वनोपज एकत्र करेंगे। इसके अलावा वे वन उपज को सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए वन उपज की खरीद की व्यवस्था भी करेंगे। तो इस तरह से जो बेरोजगार युवा है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। लेकिन सिमिलर स्कीम केंद्र सरकार भी चला रही है, प्रधानमंत्री वनधन योजना। प्रधानमंत्री वनधन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती के दौरान बीजापुर से की थी। इस योजना का उद्देश्य गैर लकड़ी के छोटे छोटे वन उत्पाद को इकट्ठा करना और वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियां हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको आजीविका प्रदान करना है। इसे लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्राइफेड को दी गई थी। ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की जो भी कृषि से जुड़ी हुई नीतियां होती हैं उसमें विपणन अगर आ जाता है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, यानी कि जो भी कृषि से जुड़ी हुई सहकारी समितियां होती हैं उनके विपणन, उनके मार्केटिंग के लिए जो काम करना होता है, क्योंकि उन सहकारी समितियों के पास खुद इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद की मार्केटिंग कर सके, तो ट्राइफेड उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराता है। वन धन विकास केंद्र की स्थापना इसमें लाई गई थी कि वन धन विकास केंद्र का स्थापना किया जाएगा। वन धन विकास केंद्र का मतलब ऐसे केंद्र से है जहां पर ये जो भी संग्रह करता होंगे, जो भी वो उपज बटोर के लाएंगे, उसका प्रोसेसिंग वहां पर किया जाएगा। उसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसका मार्केटिंग करने का जिम्मेदारी पूरा ट्राइफेड का रहने वाला है। अब दोनों योजनाओं में जो मेन अंतर यही है कि इसमें ट्राइफेड को इन्वॉल्व किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्राइफेड को इन्वॉल्व न करके ये उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया है कि जो ऐसा करना चाहते हैं वो युवा आगे आए, सरकार उन्हें पैसे देगी, सरकार उन्हें चीजें देगी, सरकार उन्हें नीतियां देगी, सरकार उन्हें शिक्षा देगी, साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देगी ताकि जाके वो चीजें डेवलप कर सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, अच्छा इसमें वंदन योजना की बात करें तो इस योजना की विशेषता ये थी कि 30 जनजाति समूह इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें से 10 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे और प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी जानी थी। स्वयं सहायता समूह उत्पादों को अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश में बेच सकेंगे और वन धन विकास केंद्र में उत्पाद का स्टॉक रखने और प्राथमिक प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसको शुरू किया गया था। दो बातें इंपॉर्टेंट है वंदन योजना के लिए। 14 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू हुई है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। 14 अप्रैल को हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात निकली है तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं। भूपेश सिंह बघेल द्वारा अभी हाल ही में एक रोजगार संगी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ताकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं वो रोजगार पा सके इस ऐप के जरिए। भूपेश सिंह बघेल जी ने अभी हाल ही में गौरेला पेंड्रा मावेही नाम का एक 28वां जिला जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाया है। छत्तीसगढ़ में अब 28 जिले हो गए हैं, पहले 27 थे, और 28वां जिला कौन सा बना है? गौरेला पेंड्रा मावेही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। ये एक बीमा स्कीम है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है और इसके जरिए किसानों को अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उनको बीमा के जो पैसा होगा वो उनको प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ जो है ये आपका एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट देने का लिए सबसे बड़ा राज्य निकल के आया है इस साल, जबकि अभी तक मनरेगा जब से स्टार्ट हुआ है उनमें से टॉप नंबर पर यूपी ने रोजगार दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस साल टॉप पर छत्तीसगढ़ है इस साल रोजगार देने के मामले में, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी। और अगर देखा जाए ओवरऑल अभी तक जब से मनरेगा स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो यूपी है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। और छत्तीसगढ़ के सीएम जो पहले सीएम थे अजीत जोगी जी, वो अभी हाल ही में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। और छत्तीसगढ़ जो है ये पहला स्टेट है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू की है, गोबर के बदले रुपया प्राप्त होगा उनको, ताकि जो गोबर है उसका कंपोस्ट खाद में बदला जा सके और फिर खाद को बेच के पैसा कमाया जा सके। कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, चीफ मिनिस्टर भूपेश सिंह बघेल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। वाइल्ड एशियन बफेलो यानी कि जंगली एशियाई भैंसा जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है। और स्टेट बर्ड जो है हिल मैना यानी पहाड़ी मैना आप इसे कह सकते हैं। नेशनल पार्क में बात करें कुतरू नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि कुतरू नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखिएगा। एंड कांगेड़वेरी नेशनल पार्क इट्स ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास जिसे संजय वन भी कहा जाता है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। लोकसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी जबकि राज्यसभा में आपको 5 सीटें छत्तीसगढ़ से देखने को मिलती है। सेम जानकारी आपकी हिंदी में भी उपलब्ध है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगली जानकारी तरफ चले तो जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे फसल बीमा योजना की छत्तीसगढ़ में,
ऐसी ही एक योजना बीमा योजना गुजरात सरकार लेकर आई है। और गुजरात सरकार क्यों लेकर आई है, क्योंकि गुजरात में तो पहले से ही फसल बीमा योजना चल रही है, फिर ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्यों लेकर आए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी छत्तीसगढ़ में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अभी हाल ही में बताया कि इस बार हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है COVID-19 के दौरान कई सारे किसानों की हालत खराब रही, कई सारे उद्योग धंधों की हालत खराब रही, ऐसे में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, और जिन किसानों को नुकसान हुआ होगा वो उनके प्रीमियम दे नहीं पाए होंगे, जिसकी वजह से उनको इस बार फसल जो है अगर उनका नुकसान हो गया होगा तो वो पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए एक डुप्लीकेट स्कीम लाई गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इसमें अगर 60% तक आपकी फसल का नुकसान हुआ तो 60% तक नुकसान का भरपाई की जाएगी, और उसके लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे, और अगर 60% से ज्यादा के नुकसान हुआ है तो 25,000 रुपए के हिसाब से अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए हर्जाना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि औसतन 1,800 करोड़ रुपए का हमें प्रीमियम भरना पड़ता है किसानों को, लेकिन जब इसकी इस बार बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम बढ़ा दिए और उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए कर दिया है COVID-19 के इफेक्ट की वजह से, इसके बाद हमने अपनी स्कीम लॉन्च की, इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना है, यानी कि गुजरात के जितने भी सरकार है, जितने भी किसान है, अगर वो इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उन्हें कुछ भी ऐसा प्रीमियम वगैरह नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 1,00,000 रुपए तक का उन्हें बीमा फसल बीमा मिलेगा। इस स्कीम में खरीफ फसल को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हुई है तो किसान स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत भी मुआवजा ले पाएंगे। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहां से लागू हुई, गुजरात से। क्यों लागू हुई, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो फंड है वो जो प्रीमियम है वो कई किसान नहीं दे पाए थे, और नहीं देने की वजह से सरकार ने उनकी मदद करने की बात की है। अच्छी योजना है। अगली जानकारी तक चले, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम आपने सुना होगा, तो ईसर जज अहलूवालिया ने अभी हाल ही में थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अध्यक्ष पद से हटने का निर्णय ले लिया है। वो लगभग 15 साल से इस पद पर बनी थी। अब नए अध्यक्ष जो होंगे वो प्रमोद भसीन होंगे। थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन भारत का एक थिंक टैंक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करता है और एक तरह से सोच के रूप में कार्य करता है और विदेश मंत्रालय को सलाह देता है। तो उनके योगदान का सम्मान करने के लिए उन्हें चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में रखा जाएगा। फिलहाल प्रमोद भसीन जो है वो ICRIER के सदस्य होंगे। ईसर जज अहलूवालिया की बात करें तो इन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके पति का नाम मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था और हाल फिलहाल ये पद्मभूषण से सम्मानित है। तो ईसर जज अहलूवालिया की जगह कौन लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं आपके प्रमोद भसीन। अगली जानकारी तक चले, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था मोनिन टबी सिंह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनिन टबी सिंह जिनका भी हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो वो भारतीय फुटबॉलर थे। मणिपुर में से बिलोंग करते थे। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वे भारतीय अंडर-23 टीम के हिस्सा थे जिसने वियतनाम को 3-2 से हराकर 2003 का LG कप जीता था। वह 1971 के बाद से 8 देशों के टूर्नामेंट में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत थी। उन्होंने 2002 के एशियाई खेलों में भी भारत के लिए खेला था। तो अभी हाल ही में मोनिन टबी सिंह का निधन हो गया। वो किस खेल से बिलोंग करते थे, फुटबॉल से, किस राज्य से बिलोंग करते थे, मणिपुर से। अगली जानकारी है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमें 101 वस्तुएं ऐसी हैं जो हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, हम उनको घर पर ही बनाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में 10 अगस्त से एक आत्मनिर्भर सप्ताह की शुरुआत हुई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। श्री सिंह ने घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के आयात को रोक देगा। यह कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप ही स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब एक बड़े प्रयत्न के लिए तैयार होने वाला है। तो 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत हुई है। अगली जानकारी है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन पर लिखकर। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे इट इज 12th अगस्त और ये थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और एक बेहद मतलब मैं भी इनका बड़ा फैन रहा, राहत इंदौरी का, मुझे भी अच्छे लगते हैं। मैं लिखता तो नहीं हूं लेकिन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। राहत इंदौरी को काफी बार मैंने सुना, कभी लाइव सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी हाल ही में इनका हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। और आप ये पता होगा आपको कि प्रख्यात उद्योग शायर राहत इंदौरी जी का भी हाल ही में निधन हो गया। वो बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS के एम बोले तो, और इश्क के नींद चुराई मेरी जैसे गीतों के बोल लिखने के लिए जाने जाते थे। तो एक तो इनका टैगलाइन तो बहुत फेमस हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है मगर आने का नहीं। अगली जानकारी है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। ओल्ड नाम जरूर है लेकिन उतना ओल्ड दिख नहीं रहे ये। तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पर इतना ही जानना हमारे लिए पर्याप्त है, मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिटानिया कहां का देश है? मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, आप देख सकते हैं यहां पे पश्चिमी अफ्रीका में। मॉरिटानिया की राजधानी भी बड़ी अजीब है, नौ ओक्चोन, और महाद्वीप है अफ्रीका। मॉरिटानिया में मुद्रा चलती है ओगुया या उगिया, और आधिकारिक भाषा वहां पे अरबी बोली जाती है। अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, जिनमें से एक है ट्यूनिशिया में अभी हाल ही में, हाँ, हिचेम मचीची को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। महिंद्रा राजपक्षे जो है दोबारा से श्रीलंका के PM बने हैं, जबकि मार्क फिलिप और मोहम्मद इरफान अली, मार्क फिलिप जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं गुयाना के, जबकि मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। एक बार दोबारा से नजर डालते हैं, ट्यूनिशिया में अपॉइंट किए गए हैं हिचेम मचीची एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका में, मार्क फिलिप गुयाना में, और यहां पर बात करें तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल जो है वो यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, जबकि यहां पर मोहम्मद ओल्ड घाजाउनी जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। एक और अपॉइंटमेंट है इससे जुड़ी हुई, पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। रुइज एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे, क्या खतरनाक नाम है भाई। शपथ ग्रहण समारोह लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में आयोजित किया जाएगा। पेरू की राजधानी लीमा और सबसे बड़ा शहर भी लीमा है, और आधिकारिक भाषा केचुआ भाषा, हाँ, मुद्रा यहां पर याद रखिए न्यूवो सोल चलती है। पेरू जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका का देश है, यहां पे दक्षिण अफ्रीका, यहां पेरू है, आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो आपको मॉरिटानिया मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चलते हैं हमारे वन लाइनर की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सोमा मंडल को। 15 वर्षों तक भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करती हुई जिन्होंने अभी अपने पद से हटने का निर्णय लिया है वो है ईसर जज अहलूवालिया, इनकी जगह नियुक्त किए जाएंगे प्रमोद भसीन। और मॉनिटमी सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। किस राज्य से थे? मणिपुर से। और केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी को सुरक्षा हेतु कहां पर एक डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृषि मेघ हैदराबाद। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो वह है वेंकैया नायडू। और कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन सा रहा? रसिया। किस राज्य द्वारा इंदिरा वन विधान योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसान सहाय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। प्रख्यात शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया, वो किस भाषा के शायर थे? उर्दू के थे और इंदौर से बिलोंग करते थे। किसको मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? उनका नाम है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। और किसको पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। अब बारी है आज के क्विज की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो है सोमा मंडल, अनिल कुमार चौधरी की जगह लेने वाली है। 15 वर्षों तक भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष थे और अभी हाल ही में अपने पद से हटने का निर्णय लिया है, उनका नाम है ईसर जज अहलूवालिया। यहां पर थी होना चाहिए था ना, कौन थी? मॉनिटमी सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? वो फुटबॉल से थे और मणिपुर से बिलोंग करते थे। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी की सुरक्षा हेतु एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में बनाया गया है हैदराबाद में। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में भारत के उपराष्ट्रपति किस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो उनके M. वेंकैया नायडू के।
और कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला देश कौन सा बना, पहला देश कौन सा है? रशिया ने दावा किया कि हमने बना ली है। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है? तो इंदिरा वन मितान योजना जो है ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है आदिवासियों के लिए। और किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया गया है? यह है गुजरात सरकार के लिए, जो फसल बीमा योजना से लाभ नहीं पा पा रहे थे उनके लिए। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रख्यात शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया, वो किस भाषा के शायर थे? वो उर्दू भाषा के। अलावा किसको मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। और किसको पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।